afternoon students, welcome to SRS IAS and Law Academy. आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें हम आर्टिकल 16 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. आर्टिकल 16 जो है वो हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, तो आज की क्लास में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. इसके तीन क्लॉजेस जो है वो मैंने पिछली क्लास में आपको एज इट इज ही लिखवा दिए थे, और उसमें जितना कुछ भी समझाने वाला था वैसा एज सच उसमें इतना जो है वो समझाने वाला नहीं होता. आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो होता है उसमें क्योंकि मंडल कमीशन की बात आती है, तो इस वजह से आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो होता है वो थोड़ा सा समझ के करने वाला होता है. ठीक है, तो तीन क्लॉजेस जो है वो आपने आर्टिकल 16 के वो लिख लिए हैं. और जो बच्चे अभी जो है ये क्लास जो है शुरू से देख रहे हैं, तो उनके लिए जो पहले तीन जो है क्लॉजेस आर्टिकल 16 के वो मैं थोड़ा सा उनको समझा देता हूँ, और बाकी बच्चे जो है उनकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी. ठीक है, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्या कहता है कि स्टेट जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी हर सिटीजन ऑफ इंडिया को, किसमें, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्या कहता है, स्टेट शैल प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजंस इन हैविंग एक्सेस टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि स्टेट जो है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएगी, किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में. 16 क्लॉज 2 क्या कहता है, स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी सिटीजन एक्सेस टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और डेसेंट, कि इन सात क्राइटेरियाज के ऊपर जो स्टेट जो है वो डिनाई नहीं कर सकती किसी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से. इसके अलावा कोई और क्राइटेरिया अगर होता है तो उस पे डिनाई जो है वो आपको किया जा सकता है, जैसे कि आपका क्राइटेरिया बन सकता है एजुकेशन. ठीक है, तो एजुकेशन के बेसिस पे आपको जो है डिनाई किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर सर्विस से. वो किस तरीके से किया जा सकता है कि मान लो आपने जो है आपके पास वो ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है जो उस जॉब को लेने के लिए जिसकी सरकार जो है वो एक पर्टिकुलर डिग्री जो है या पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन जो है वो रख सकती है, कि अगर बच्चे जो है इनके पास ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होगी तभी वो जो है इस पर्टिकुलर एग्जाम को दे सकते हैं. जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट क्या करती है, उसने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जिस बच्चे के पास टेंथ क्लास में पंजाबी सब्जेक्ट जो है वो नहीं होगा, तो वो जो है वो बच्चा पंजाब के ये जो गवर्नमेंट एग्जाम जो पंजाब निकालता है उसमें वो अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, तो हरियाणा वाले बच्चों को अगर पंजाब में अप्लाई करना होगा तो उनको जो है ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट पूरा करना होगा. ठीक है, भले ही हरियाणा के बच्चे हों या हिमाचल के बच्चे हों, जब तक वो पंजाबी का टेंथ क्लास का पेपर जो है पंजाब बोर्ड का वो नहीं दे देते, वो जो है पंजाब का कोई भी एग्जाम जो है वो नहीं दे सकते, उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होते. ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल 16 क्लॉज 2. आर्टिकल 16 क्लॉज 3 क्या कहता है, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड, कि पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर है टू प्रोवाइडेड बाय लॉ रेजिडेंस एज अ ग्राउंड फॉर क्वालिफिकेशन फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि आप अगर एक पर्टिकुलर स्टेट के रेजिडेंट हो तभी आप उस स्टेट का एग्जाम जो है वो दे सकते हो, लेकिन इसकी पावर किसके पास है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास. ठीक है, स्टेट्स के पास ये पावर नहीं है कि स्टेट ऐसा कर सके कि जी हमारी स्टेट में अगर आप एग्जाम देना चाहते हो, हमारी स्टेट का एग्जाम देना चाहते हो, तो आप जो है पंजाब के रेजिडेंस ही होने चाहिए या हमारी पर्टिकुलर स्टेट के आप रेजिडेंस होने चाहिए, ऐसा स्टेट नहीं कर सकती. ये पावर है पार्लियामेंट के पास. ठीक है, पार्लियामेंट ही ऐसा कर सकती है. ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 4 पे. इसको एज इट इज ही लिखो, इट इम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस. और उसके अलावा जब आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है जब हम कर रहे थे तो मैंने बताया था कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के साथ ही उसको एक साथ कवर करेंगे. ठीक है, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में किस चीज की बात हो रही थी, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 आपका क्या कह रहा था, वो स्टेट को पावर दे रहा था. पहले 16 क्लॉज 4 लिखो पूरा, इट इम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इफ इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट a class is socially and educationally backward and is inadequately represented in service. ठीक है, अब इसमें जो अंडरलाइन लगाने वाली चीजें हैं वो है, इट इम्पावर्स द स्टेट पे अंडरलाइन लगाओ,
टू मेक स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस पे अंडरलाइन लगाओ, इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस, बैकवर्ड क्लासेस पे अंडरलाइन लगाओ, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे अंडरलाइन लगाओ, इफ इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट अ क्लास इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड पे अंडरलाइन लगाओ, एंड इज इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड के नीचे अंडरलाइन लगाओ। ठीक है, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो था वो किस चीज की बात कर रहा था, वो स्टेट को पावर दे रहा था, इट कॉन्फर्स द पावर ऑन स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस इन फेवर ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूडिंग एससी एंड एसटी। ये कहां पे फेवर दे रहा था, ये हमें फेवर दे रहा था कि अगर उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी हो तो वहां पे उनके लिए रिजर्वेशन जो है वो की जा सकती है। ठीक है, यहां पे किन के लिए रिजर्वेशन की जा रही है, क्या कहते हैं आपके सोशली और बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है रिजर्वेशन की जा रही है, लेकिन कहां पे की जा रही है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, वहां पे किसमें की जा रही थी, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, यहां पे किसके लिए की जा रही है, उनको जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए उनके लिए रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, अब इस चीज को समझो, जो सबसे पहले आप इसके लिए रिजर्वेशन की बात जब की गई तो उसके लिए सबसे पहले काका कलेलकर कमीशन जो है वो बनाया गया था 1953 में। ठीक है, लेकिन उसने ऐसा जितना कोई खास जो है वो काम नहीं किया, तो उसके बाद एक और कमीशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, मंडल कमीशन जो है वो बनाया गया 1979 में, तो इसके जो हेड थे वो थे बीपी मंडल। मंडल कमीशन 1979 headed by BP मंडल। तो ये जो मंडल कमीशन था इसने क्या किया कि जो ओबीसीज के लिए जो सबसे पहले जो बात की गई रिजर्वेशन के लिए वो इस पे की गई मंडल कमीशन में। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने 3000 से ज्यादा कास्ट को जो है ओबीसी डिक्लेयर कर दिया इस मंडल कमीशन ने। ठीक है, तो इसने इसकी रिपोर्ट में दो मेन बातें थी, एक तो इसने 3000 से ज्यादा जो है जो कास्ट जो थी उनको ओबीसी में इंक्लूड कर दिया कि ये सारी कास्ट जो है 3000 से ज्यादा कास्ट जो है वो ओबीसी है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने क्या बोला कि 27% जो रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी को दी जानी चाहिए। ठीक है, तो इस मंडल कमीशन ने दो मेन बातें की थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि जो है इलेक्शन आगे जो है वो आने वाले थे। ठीक है, तो जो वीपी सिंह है उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हम ये जो आपका मंडल कमीशन है इसको लागू कर देंगे। ठीक है, तो वैसा ही हुआ। ठीक है, लोगों ने इनको वोटें डाल दी और ये जो है वीपी सिंह की सरकार जो है वो जीत गई और उन्होंने मंडल कमीशन फाइनली लागू कर दिया। अब जैसे ही मंडल कमीशन लागू हुआ तो उसके बाद लोगों ने क्या किया कि बहुत दंगे बढ़ गए। ठीक है, पूरा ये जो है आपका भारत बंद जो है वो घोषित कर दिया गया। अगर आपने रिसेंटली उसकी मूवी देखी होगी तो अनिल कपूर की रिसेंटली लाल सिंह चड्ढा करके हाँ उसकी एक मूवी आई थी, तो उसमें वो बताते हैं कि हाँ थोड़ी थोड़ी दिनों बाद भारत जो है वो बंद कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये भी वहां पे ये केस भी हुआ था। ठीक है, तो भारत बंद करवाया गया, बहुत से लोगों ने अपने गले में टायर डाल के खुद को आग लगा ली। ठीक है, वो इस मंडल कमीशन के अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि रिजर्वेशन जो है वो मिले। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे जनरल कास्ट वाले जो है उनको कॉम्पिटिशन जो था वो बढ़ जाना था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके लिए 27% सीट जो है वो ऑलरेडी रिजर्व हो जानी थी और इस वजह से लोग जो है वो इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, कि इसको कमीशन को लागू ना किया जाए। अब इस वजह से क्या हुआ कि ये जो है इसे लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी जो वो था लॉ एंड ऑर्डर था उसे खराब हो गया। ठीक है, तो फाइनली ये जो था वीपी मंडल सॉरी वीपी सिंह जो है उनकी सरकार ने ये जो मंडल कमीशन जो लागू हुआ था वो चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हुआ इंदिरा सानी केस में। ठीक है, तो इंदिरा सानी केस जो है 1992 इंदिरा स्वानी केस 1992, तो ये वहां पे ये जो था आपका मंडल कमीशन जो था या इसकी जो रिकमेंडेशंस जो थी वो यहां पे चैलेंज हो गई सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिजर्वेशन दी जा रही है ओबीसीज को ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ठीक है, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कही, लेकिन अगर आप जो है रिजर्वेशन जो है 27% दे रहे हो तो उसके लिए कोर्ट ने एक क्राइटेरिया जो है वो इंट्रोड्यूस किया, वो क्राइटेरिया था क्रीमी लेयर का। ठीक है, कि ये देखा जाए
कि जो है आपके ये जो आप आपने 3000 लोगों 3000 से ज्यादा कास्ट को जो है उसको आपने ओबीसी में डाल दिया। अब ये सारी कास्ट ऐसी तो होंगी नहीं कि सभी के सभी इसमें खराब होंगे, ठीक है। तो उन्होंने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया क्रीमी लेयर का। तो क्रीमी लेयर में क्या है, उन्होंने कुछ कंडीशंस रख दी, ठीक है। तो क्रीमी लेयर में जो कंडीशंस उस टाइम पे रखी हुई थी वो कंडीशंस कुछ और थी, मैं आज की कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो क्रीमी लेयर की कंडीशन क्या रखी थी, उन्होंने बोला गवर्नमेंट एट फर्स्ट सेड फैमिली हैविंग लेस देन 8 लाख एनुअल इनकम, जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है उनको जो है क्रीमी लेयर के बाहर रखा जाएगा। बाकी जिनकी भी ओबीसी अगर कैटेगरी में आते हैं लेकिन उनकी एनुअल इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो उनको जो है क्रीमी लेयर में रख दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कोर्ट ने दो बातें और की। कोर्ट ने कहा, पहली बात तो ये क्रीमी लेयर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसमें बोला कि 8 लाख से आपकी इनकम जो है वो कम होनी चाहिए। दूसरी बात कोर्ट ने क्या की, जो आपकी टोटल रिजर्वेशन जो है वो 50% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है एससी और एसटीज को जो है पहले से रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करवा रहे थे। अब हमने 27% क्राइटेरिया इनका भी इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब कोर्ट ने यहाँ पे एक बैन लगा दिया, एक बैरियर लगा दिया। कोर्ट ने बोल दिया कि 50% से ज्यादा आपकी जितनी भी जहां जहां पे भी आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है, पहले आप सिर्फ एससी और एसटीज को प्रोवाइड करवा रहे थे, ठीक है, अब आप बीच में ओबीसी भी लेके आ गए हो, ठीक है। अब आगे फर्दर आप पता नहीं और क्या क्या लाने जा रहे हो, हमें उसके बारे में नहीं पता, लेकिन हम ये डिसीजन दे रहे हैं कि आपकी रिजर्वेशन जो है 50% से एक्सीड वो नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात सरकार ने, कोर्ट ने ये कह दी। उसी के साथ कोर्ट ने ये भी कह दिया, अभी थर्ड पॉइंट क्या हुआ, अभी जो करंट जो इश्यू चल रहा है आर्टिकल 15 क्लॉज 6, इसके बारे में मैंने आपको लिखवाया था, आर्टिकल 16 क्लॉज 6, इसके बारे में मैं आपको आज लिखवाऊंगा, ठीक है। इसके थ्रू क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने 10% रिजर्वेशन दे दी ईडब्ल्यूएस को, ठीक है, 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है इनको भी मिली हुई है, ठीक है। अब 50% ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, ठीक है, 10% ये इंक्लूड कर दें तो ये रिजर्वेशन जो है वो 60% हो जाएगी, ठीक है, जो इसको इस क्राइटेरिया को इसके अगेंस्ट जाती है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी इस पे चुप है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फिलहाल जो आपने 10% रिजर्वेशन दी है वो जरूरी थी, ठीक है, ये जनरल कास्ट वालों को 10% जो आपने रिजर्वेशन दे दी है वो जरूरी थी। उस वजह से क्या हो रहा है कि ये भले ही आपका क्राइटेरिया 6% से एक्सीड भले ही हो रहा है लेकिन क्योंकि इसको जरूरत थी, ठीक है, सोशल नीड थी ये हमारी, इस वजह से फिलहाल के लिए हम ये क्राइटेरिया एज इट इज ही चलने देते हैं। 10% रिजर्वेशन जो जनरल्स को मिली हुई है वो उनको एज इट इज ही हम रहने देते हैं। हाँ, कल को ये रिजर्वेशन हमारी मर्जी होगी, हम जब चाहेंगे इस रिजर्वेशन को हटा देंगे, फिलहाल के लिए ये रिजर्वेशन एज इट इज ही आपकी चलेगी, ठीक है। तो भले ही ये 50% वाला क्राइटेरिया ये एक्सीड कर रही है लेकिन ये रिजर्वेशन जो है ये एज इट इज ही फिलहाल चलेगी जब तक इसके ऊपर कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं आता, ठीक है। अब उसके अलावा कोर्ट ने क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बातें की, ये दो मेन बातें की, तीसरी बात तो अभी करंट में जो मुद्दा चल रहा है उस पर, ठीक है, ये मैंने ऐसे ही बताई है आपको, दो मेन बातें की थी ये वाली, कि एक तो ये आपका क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट उसने इंट्रोड्यूस कर दिया कि जो जिसकी ये जो है एनुअल इनकम जो है 8 लाख से ज्यादा होगी उनको क्रीमी लेयर में रखा जाएगा, बाकी को क्रीमी लेयर के बाहर रखा जाएगा, ठीक है। और दूसरा 50% से ज्यादा जो है आपकी रिजर्वेशन जो है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन का बेनिफिट जो है वो सिर्फ एंट्री पॉइंट पे उठाया जा सकेगा, ठीक है, रिजर्वेशन का बेनिफिट ओनली एट एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट का मतलब यह है कि मान लो जब आप जॉब ले रहे हो, ठीक है, उसी टाइम पे आपको रिजर्वेशन जो है वो दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी रिजर्वेशन बाद में भी आगे भी चलती रहे। आगे भी चलती रहे का मतलब यह है कि जब आपकी प्रमोशन होनी है वहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि आप जो है इस रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो इस वजह से आपको आपकी प्रमोशन जो है वो पहले हो जाए। ये किसका कहना था, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ऐसा ऐसी कोई भी चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट को ये बात जो है वो पसंद नहीं आई, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया आर्टिकल 16 क्लॉज 4A। आर्टिकल 16 क्लॉज 4A गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1995 में।
उसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने बोला कि जो एससी और एसटी है, ठीक है, उसमें ओबीसी को इंक्लूड नहीं किया गया, सिर्फ एससी एंड एसटी, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये लोग जो है एंट्री पॉइंट पे भी अपना उसका बेनिफिट उठाएंगे रिजर्वेशन का, और उसके अलावा जब जब आपकी बात आएगी प्रमोशन की, वहां पे भी ये जो लोग जो है ये बेनिफिट उठाएंगे किसका, रिजर्वेशन का, ठीक है। मतलब अगर कोई एससी एसटी है और जब उसकी प्रमोशन होनी है, वहां पे भी ये देखा जाएगा कि वो पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है, और उस वजह से उसकी प्रमोशन जो पहले कर देनी चाहिए, ठीक है। एक तो गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया, 16 क्लॉज 4 है, और उसी के साथ 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल 16 क्लॉज 4B, ठीक है। तो ये इंट्रोड्यूस किया 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ईयर 2000 में, ठीक है। इसमें 6-4 में क्या बात की, उन्होंने बोला गवर्नमेंट जो है कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी लेके आई, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी। इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर रिजर्व कैटेगरी में जितने भी अगर पोस्ट बची हैं, अगर वो पोस्ट जो है वो नहीं फिल होती प्रीवियस ईयर में, ठीक है, और वो पोस्ट जो है वो बच जाती हैं, तो हम क्या करेंगे, वो जो बची हुई पोस्ट होंगी उनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। वो किस तरीके से किया जाएगा, मान लो 2020 में 100 पोस्ट निकालती है गवर्नमेंट, ठीक है। अब क्राइटेरिया क्या है कि 50% ही उसको रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, तो 50% रिजर्व होगी, ठीक है, और 50% अनरिजर्व होगी, ये होगी जनरल वाली और ये होगी रिजर्व वाली, ठीक है। अब मान लो इसमें से क्या हुआ, 50 में से सिर्फ 40 जो है वो भरपाई, 10 जो है वो भरी नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि बच्चे जो थे वो क्राइटेरिया जो था कट ऑफ वाला क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं कर पाए, या किसी और रीजन की वजह से वो सीटें जो है वो भर नहीं पाई। कितनी सीटें बच गई, अब 10 सीटें। अब ये जो 10 सीटें जो है, अब मान लो 2021 में मान लो 100 पोस्ट जो है वो निकलनी थी, ठीक है, तो इसमें से क्या होना था, 50 पोस्ट जो थी वो जनरल के लिए निकलती अनरिजर्व, और 50 पोस्ट जो थी वो रिजर्व निकलती उनके लिए बाकी कास्ट के लिए, ठीक है, तो ये पोस्ट जो थी रिजर्व होती थी। और अब पिछली 10 जो बची हुई थी ना, तो इस बार सरकार क्या करेगी, ये 10 पोस्ट जो है ये यहां पे ऐड हो जाएंगी, इस बार 100 पोस्ट की जगह 110 पोस्ट निकलेंगी, और इनको जो है 60 जो है जो रिजर्व पोस्ट जो है वो मिलेगी, ठीक है। ये कहा गया था, ऐसा समझाया जाता है कि ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है ना वो ऐसे नहीं होती, ठीक है। ग्राउंड रियलिटी में क्या होता है कि अगर इनको 10 पोस्टें पिछली बची हुई है ना, तो ये 110 पोस्ट नहीं निकलती, इन पोस्ट को 120 कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो जो एक्स्ट्रा 10 पोस्ट है इधर जनरल वालों को भी दी जाए, ठीक है। तो ये असल में ये होता है, ग्राउंड रियलिटी जो होती है वो असल में ये होती है। क्यों, क्योंकि ये जो 50% वाला क्राइटेरिया है, अगर हम ये क्राइटेरिया नहीं बनाएंगे तो यहां पे अनजस्टिस हो जाएगा इनके साथ, जस्टिस जो है जनरल कास्ट वालों के साथ वो नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से 10 एक्स्ट्रा पोस्ट जो है वो जनरल वालों को भी प्रोवाइड करवा दी जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो होते हैं क्या कहते हैं, जो चाहते हैं कि हाँ लोगों में भाईचारा जो है वो ना बना रहे, तो वो लोगों को कास्ट के बेस पे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो वो लोगों को ऐसे ही समझाते हैं कि हाँ जी तुम्हारी तो नेक्स्ट टाइम में तुम्हें कम पोस्ट मिलेगी, जो दूसरे कास्ट वाले होते हैं उनको ज्यादा पोस्ट मिलती है। ग्राउंड रियलिटी क्या होती है कि इनको भी उसका बेनिफिट होता है, अगर पिछली बार 10 पोस्ट जो है वो खाली रह गई है, तो उनका बेनिफिट जो है वो जनरल वालों को भी होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम उतनी ही पोस्ट जनरल वालों के लिए भी एक्स्ट्रा निकाली जाती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको ये 50% वाला क्राइटेरिया जो होता है इसको एक्सीड नहीं करना होता है, ठीक है। तो ग्राउंड रियलिटी जो होती है वो ये होती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो आपकी गवर्नमेंट जो थी वो दो ये लेके आई, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट की बात पसंद नहीं आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सिर्फ एंट्री लेवल पे ये काम जो है वो होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, जब ये लेके आती है गवर्नमेंट आर्टिकल 4A और 4B जो है, 16 आर्टिकल 4A, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A और आर्टिकल 16 क्लॉज 4B, जब गवर्नमेंट ये लेके आती है तो ये चैलेंज हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में। एक बड़ा फेमस केस है एम नागराज केस, ईयर है उसका 2006। तो इस ईयर में ये इस केस में ये जो है ये चैलेंज हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, जब ये चैलेंज होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ गाइडलाइंस देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आप किसी को भी प्रमोट कर रहे हो,
ठीक है, अगर आप किसी को भी कास्ट बेस पे प्रमोट कर रहे हो, यहां पे कास्ट बेस प्रमोशन हो रही थी ना, कास्ट बेस पे प्रमोट कर रहे हो, तो आपको जो है वो जो पर्सन जो है जिसको आप प्रमोट कर रहे हो वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी क्लास से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। मान लो अगर आप एससी एसटी की बात कर रहे हो, तो आप अगर किसी दलित को जो है वो प्रमोट कर रहे हो, तो वो दलित जो है वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का होना चाहिए, तभी आप उसको प्रमोट कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट जो है ये बात की उसने एम नागराज केस में। दूसरी बात उन्होंने क्या बोला कि कोर्ट ने क्या बोला कि उसको जो है जो सरकार जब उसको प्रमोट कर दिया, तो सरकार को जो है वो प्रूफ देना पड़ेगा कि वो पर्सन जो था वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करता था, ठीक है। सेकेंड बात उन्होंने क्या बोली, द कम्युनिटी शुड बी इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, कि जो उस बंदा जिसको आपने प्रमोट किया, जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करता था, आपने उसको उसी बेसिस पे प्रमोट किया ना कि वो एक क्या कहते हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करता था। अब दूसरा क्राइटेरिया सरकार ने सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया कि उसकी जो कम्युनिटी है वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड होनी चाहिए, कहां पे, आपके पॉपुलेशन में। वो किस तरीके से होगी, मान लो 100 लोगों की पॉपुलेशन है टोटल स्टेट में, ठीक है, उस बंदे की पॉपुलेशन है 10, ठीक है, मान लो उस कास्ट की पॉपुलेशन है 10, ठीक है, कि अगर 100 लोग रहते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट में, उस कास्ट के लोग हैं, उस कास्ट के लोगों की पॉपुलेशन कितनी है 10, ठीक है, मतलब 10% उस कास्ट के लोग जो है वो रहते हैं, लेकिन आपकी सरकार में उसकी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन 1% भी नहीं है, ठीक है, मतलब 1% भी उस पॉपुलेशन के लोग ऐसे नहीं है जो IAS हो, ठीक है, PCS हो, IFS हो, ठीक है, या कुछ भी हो, या गवर्नमेंट सर्विसेज में काम कर रहे हो, तब उस बंदे को प्रमोशन जो है वो दी जा सकती है, ठीक है। तीसरी बात क्या की, बट एनी सच बेनिफिट शुड नॉट अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द सर्विसेज, कि अगर आप किसी को बेनिफिट दे रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सर्विस की एफिशिएंसी जो है वो खराब हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप किसी को जो है कोई डॉक्टर है, ठीक है, आप उसको प्रमोट करके मेडिकल ऑफिसर जो है वो लगा रहे हो, ठीक है, अब वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी आपने उसको प्रमोशन दे दी, लेकिन उस वजह से आपकी जो एफिशिएंसी है, ठीक है, आपकी सरकार की एफिशिएंसी जो है या आपके काम की एफिशिएंसी जो है, जो काम इसको परफॉर्म करना है उसकी एफिशिएंसी जो है वो हैम्पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि मान लो आपने इसको सीनियोरिटी बेसिस पे प्रमोशन दे दी, या किसी और बेसिस पे आपने प्रमोशन दे दी, या कास्ट बेसिस पे प्रमोशन दे दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस काम के लिए उसको प्रमोट किया जा रहा है ये वो काम परफॉर्म ही ना कर पाए, ठीक है। तो तीसरी बात करी सुप्रीम कोर्ट ने, ये चौथी बात करी कि कोर्ट इनडायरेक्टली इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर, ठीक है। अब ये सारी बातें करके कोर्ट ने क्या कर दिया, इनडायरेक्टली क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ही यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया था, ठीक है, कि जो एक क्या कहते हैं, अगर वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड होगा, ठीक है, या उसकी पॉपुलेशन कम होगी तो वो इसमें आ जाएगा, अगर नहीं पॉपुलेशन क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन कम होगी तो ही आएगा, अगर कम नहीं होगी, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, फिर वो नहीं आएगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट आ गया आपका क्रीमी लेयर वाला, ठीक है। अगर ये चीज समझ में नहीं भी आती फिर भी इसको छोड़ दो, पहली तीन बातें जो है उनको समझो, कि सबसे पहले एक्सट्रीमली बैकवर्ड दलित क्लास से बिलोंग करना चाहिए वो इंसान, दूसरा वो इनएडुकेटली उसकी कास्ट जो है वो रिप्रेजेंट करनी चाहिए आपकी पॉपुलेशन में, तीसरा आपकी जो प्रमोशन है उससे एफिशिएंसी ऑफ द सर्विस जो है वो हैम्पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस वजह से क्या हुआ, ये दोबारा से चैलेंज हो गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही थी वो दोबारा चैलेंज हो गई। अब उनको चैलेंज होने का रीजन क्या था, कि ये चैलेंज हुई द गवर्नमेंट सेड, कि गवर्नमेंट ने क्या बोला इस बार, कि आप जो हमसे ये जो मांग रहे हो ना कि इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हो, या फिर ये हो क्या कहते हैं आपका जो हाँ इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हो, और दूसरी जो आपने कंडीशन बताई थी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड दलित क्लास से वो बिलोंग करता हो, तो आपने बोला कि उसके लिए आपको हमें प्रूफ देना है, ठीक है। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट से बोला कि आपने हमें बोला है कि हम प्रूफ दें, तो ये कहता है क्या कहते हैं पार्लियामेंट कहते हैं कि हमारे पास तो ऐसा कोई प्रूफ है ही नहीं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप ये कह रहे हो, आप एक पर्टिकुलर इंसान को, सबसे पहले आपने क्या किया, एक शेड्यूल कास्ट बनाई, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर कास्ट का आपने एक शेड्यूल बनाया, ठीक है, फिर पर्टिकुलर ट्राइब्स का आपने शेड्यूल बनाया, फिर आपने क्या किया 3000 से ज्यादा कास्ट को आपने ओबीसीज में इंक्लूड कर लिया। तो जब आप ये सारे काम कर रहे थे, तो आपने इन सब चीजों को मेंटेन करके नहीं रखा किसी रजिस्टर में या कहीं पे,
ठीक है, कि आप इस पर्टिकुलर कास्ट के बंदे को प्रमोट कर रहे हो, ये कह के प्रमोट कर रहे हो कि वो जो है इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है। जब ये कह के आप उसको प्रमोट कर रहे हो तो आपके पास कोई प्रूफ तो होगा कि आप इस वजह से जो है इसको जो है प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, ये जो है क्या कहते हैं, ये कहता पार्लियामेंट आपका कहता है कि हमारे पास ऐसा सच कोई भी प्रूफ नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, कि हम जो है उनका रजिस्टर जो है एक मेंटेन जो है एक फाइल जो है एक फाइल हो गया, ये क्वांटिफाइएबल डाटा जो है वो हम उसका मेंटेन करके नहीं रख सकते। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तुम अपनी बेशर्मी खुद ही बयान कर रहे हो, तुम अपनी बेशर्मी जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। तो गवर्नमेंट कहती है कि हाँ जी बिल्कुल, हम इसको इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, हमारे पास कोई भी प्रूफ जो है वो नहीं है। ठीक है, फाइनली एक लास्ट में केस होता है जरनैल सिंह केस 2018 इसमें सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि चलो यार ठीक है तुम्हारे पास अब प्रूफ नहीं है। ठीक है, लेकिन उस वजह से क्या हो रहा है कि सोशली जो है वो लोगों का भला जो है वो नहीं हो पा रहा। तो फाइनली चल हम ऐसे करते हैं कि हम जो है हम तुमसे क्या कहते हैं, हमने जो अपना जो कंसेप्ट जो था क्रीमी लेयर का हम उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, बट इसी के साथ साथ हम जो है अपना क्वांटिफाइएबल डाटा वाला जो अपना जो वो था प्रूफ जो हम तुम लोगों से मांग रहे थे वो भी हम रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर तुम किसी ऐसे बंदे को वो करते हो प्रमोट करते हो तो तुम्हें क्या करना होगा, वो ये प्रूव करना होगा कि वो बंदा एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करता था। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अपनी वर्डिंग जो है उसको चेंज की, सुप्रीम कोर्ट ने एज सच कुछ भी नहीं किया इस जजमेंट में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हें जो है इस चीज का प्रूफ देना पड़ेगा कि वो जो बंदा जो है वो बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो पार्लियामेंट ने कहा कि सर प्रूफ तो हमारे पास है नहीं, तो प्रूफ जो है वो हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई वो तुम डिसाइड करो, हम उसमें कुछ नहीं बोलेंगे, वो तुम्हारा काम है। ठीक है, पार्लियामेंट कहता है कि सर अगर ये दोबारा से चैलेंज हो गया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तुम डाटा दे देना। ठीक है, पार्लियामेंट कहता है डाटा तो है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहता है हमने डाटा तुमसे मांगा कब है। ठीक है, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को कह दिया कि चलो तुम अपना काम करते रहो। ठीक है, हाँ लेकिन अगर कभी ये चैलेंज हो गया फिर तुमसे डाटा मांगेंगे। ठीक है, फिर तुम्हें जो है प्रूफ करना पड़ेगा कि वो बंदा जो था वो क्या कहते हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करता था। अगर तुमने कभी ऐसे बंदे को प्रमोशन दे दी और वो प्रमोशन जो थी वो चैलेंज हो गई, फिर उस पॉइंट पे तुम्हें डाटा देना होगा। जब तक चैलेंज नहीं होती तब तक तुम जो है लोगों की भलाई के लिए, अब क्योंकि बैकवर्ड कास्ट वालों को भी ऊपर लेके आना है ना, तो उनकी भलाई के लिए तुम लोग जो है ये काम करते रहो। ये बातें की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जरनैल सिंह केस 2018 में। ठीक है, बात कुछ नहीं की, बस अपनी वर्डिंग को घुमा दिया कि हम तुमसे फिलहाल प्रूफ नहीं मांग रहे हैं, जिस दिन चैलेंज हो गया उस दिन प्रूफ मांगेंगे, मीनवाइल तुम जो है अपना काम जो है एज इट इज करते रहो, लोगों को प्रमोट करते रहो। ठीक है, तो ये सारी बातें थी आपकी आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की। ठीक है, तो यही तक था आपका आर्टिकल 16 क्लॉज 4। आई थिंक हाँ कुछ नहीं रह गया अब इसमें समझाने वाला, अब इसके नोट्स बनाओ।